हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इन चाइना में। हमारे साथ आज हैं विपुल भाई। और विपुल भाई हमेशा यही रहते हैं आपके साथ ही, आप हर बार कहते हैं हमारे साथ हैं अभी। और दोस्तों, मैं आज विपुल भाई को लेके आया हूँ यहाँ पे एप्पल शोरूम में। यहाँ पे आज जो है विपुल भाई को जो है आप क्या लेना है विपुल भाई, आपको एयरपोर्ट्स लेने हैं विपुल भाई को। तो विपुल भाई का ऐसा है कि एयरपोर्ट्स लेने हैं, तो देखते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट्स का क्या प्राइस है और आईफोन के क्या प्राइस है। आपको और भी कुछ प्राइस पता करने हैं आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हमारे कमेंट में एक बंदे ने लिखा था कि भाई क्या बात कर रहा है, एयरपोर्ट यहाँ पे भी वही रेट है, सेम रेट है। आज फिर मैं यहाँ आने से पहले एक बार चेक कर रहा था। बिल्कुल, आईफोन 14 प्रो का प्राइस 1,30,000 रुपए है इंडिया में। इंडिया में यहाँ 85-86 है भाई, बहुत फर्क है यार, बहुत फर्क है। खुद अपना कुछ भी लिख देंगे। नहीं 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 भाई, इंडिया और चाइना में जो है आईफोन के प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट भाई, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तुम कुछ सोचो, पूरे 30-50-55,000 रुपए का फर्क है भाई। बिल्कुल, 55,000। जब मैंने आईफोन लिया था, दूसरा फोन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, दो आईफोन आ जाए, दो प्रो आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई ने जब आईफोन 11 प्रो मैक्स लिया था है ना, 256 GB का, तो उनको पड़ा था 1,30,000 रुपीज में। और चाइना में मैंने लिया था तो मुझे पड़ा था 65,000 रुपीज में। हाँ, तो बहुत फर्क था भाई। जितने में मेरे भाई ने इंडिया में एक आईफोन लिया, उतने में मुझे यहाँ पे दो आईफोन मिल जाते हैं। लेकिन आजकल देखो, वो वेट करना पड़ता थोड़ा, जब आपका मतलब नया आईफोन 15 आने वाला होता ना, उस टाइम पे आपको आईफोन 14 जो है और सस्ता मिलता है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर तक जाएगा, तभी मैं लूंगा भी, तभी मुझे फोन चेंज करना है अपना। जो कल्ली बोल रही थी, वो वायरलेस चार्जिंग पे लगाया चार्ज हो ही ना, मैंने उससे बोला नहीं, मेरा बैग टूटा हुआ। अच्छा, बोले वो कवर काफी थिक है मुझसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मत करो चार्ज। बढ़िया ली, आपको बहुत पसंद आ रही है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ। चलो चलते हैं अंदर, चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं एप्पल शोरूम में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एप्पल शोरूम के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। विपुल भाई वहाँ पे जा चुके हैं। एप्पल के शोरूम कुछ इस तरह के होते हैं चाइना में। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक वाला है। हाँ, ये ऑफिशियल है भाई, ये ऑफिशियल है, ये एप्पल प्रॉपर एक एप्पल शोरूम है। एयरपोर्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये तो कॉपी वाला है, बोलो ओरिजिनल वाला होता है। तो ये है दोस्तों एयरपोर्ट्स प्रो है, ये जो सबसे नया वाला है। ये 1099 युआन का। ये भी है भाई हेडफोन्स, इनके पास काफी अच्छी ब्रांड के हेडफोन्स है यहाँ पे। ये भाई है जो हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यहाँ पे मैकबुक प्रो, और वो रहा सामने आईफोन 14 प्रो। कैसा बिल्कुल भाई, देखो आप। हाँ ठीक है, वही है, लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है 100 युआन ज्यादा है वहाँ से, मुझे 1799 युआन। एक वीडियो भी तो बनाई थी हमने, उसमें था प्राइस, देख लेंगे वीडियो में, देख लेते हैं अगर तो प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है तो देख लेंगे। चाहिए तो यही चाहिए मुझे, तो यही वाला चाहिए ना आपको। सबसे लेटेस्ट तो यही है, बाकी और तो कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आपको तो हेडफोन चाहिए ना। हाँ बिल्कुल भाई, उठा लो फिर एक उठा लो यहाँ से। कैसा है, उठा लो, काफी अच्छा लग रहा है। 22,000 और मैंने मतलब इधर उधर नहीं चेक किया था, जो एप्पल इंडिया की वेबसाइट उस पर मैंने किया था। अच्छा, तो खुश होंगे काफी, 5,000 रुपए बच गए, बहुत खुश होना चाहिए आपको। अभी ओपन करके देखते हैं कैसा रहता है। हाँ, ओपनिंग भी करेंगे दोस्तों हम इसकी, तो आप देखते रहिए। मैडम कह रही है कि यहाँ पे जो है क्यू आर कोड स्कैन करो और पेमेंट करो। ओपनिंग हो रही है दोस्तों, ओपनिंग देखो विपुल भाई, एक्साइटेड हो। अरे पहले भी लिया है, कितना एक्साइटेड हूँ मैं तो, जरूर कहता है। स्पीकर फट गया फोन का। अच्छा अच्छा, स्पीकर फट गया सही भाई, मतलब फोन चेंज करना है तो उतना पैसा क्यों लगाना है उसके लिए। अच्छा लिया था, ओपन करो।
भाई आप कह रहे स्पीकर फट गया फोन का इसलिए ये ले रहे हो, अगर इतना महंगा आईपॉड मेरा मैं लूंगा ना ये एयरपॉड तो मेरे से स्पीकर नहीं कुछ और ही फट जाएगा, समझ रहे हो ना, बहुत महंगे है भाई ये, आप ही ले सकते हो, डॉक्टर मुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा एयरपॉड्स लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम हमसे बहुत 15 साल आगे चल रहे हो अभी। अरे नहीं यार देखो भाई 22,000 रुपए के ओरिजिनल ओरिजिनल एयरपॉड्स ले लिया भाई ने, कनेक्ट भी हो गए हैं। बजाओ किसका गाना बजाओगे, सिद्धू सिद्धू का बजेगा। फिलहाल तो डॉक्टर साहब को जो है एयरपॉड्स मिल गए हैं, इन्होंने अपने कान के अंदर ठूस लिए हैं और कैसा गाना बज रहा है कैसा सुनाई दे रहा है वो एक्सपीरियंस भी डॉक्टर साहब थोड़ी देर में बताएंगे। कैसा भाई अभी वो स्पॉटिफाई से लॉगिन हो रहा है। अच्छा लॉगिन हो रहा है, अच्छा लॉगिन करना पड़ता है। नहीं नहीं वो, और उसी के साथ साथ अभी एप्पल के शोरूम में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सस्ती आपको मिल जाती हैं, जैसे कि विपुल भाई ने अपने 5-6 हज़ार रुपये बचा लिए। पहले तो विपुल भाई ने चेक किया एप्पल की वेबसाइट, इंडिया में जो एप्पल की वेबसाइट है उस पर चेक किया तो ये 26,000 समथिंग का पड़ रहा था और यहाँ पे चाइना में ये पड़ा है अपना 22,000 रुपीज़ में, तो 1899 RMB ऑलमोस्ट 1900 RMB का ये एयरपॉड्स पड़े हैं प्रो, ठीक है। तो बाकी के प्राइस अगर आपको पता करने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, तो मैं यहाँ से आपको आईफोन लैपटॉप वॉच के प्राइस भी आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और उसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको चाइना से ये सस्ते सस्ते अच्छे अच्छे आईफोन लेने हैं तो यहाँ से आप कोरियर नहीं कर सकते हो, या आप कभी चाइना आए हो या आपका कोई फ्रेंड आया है वो यहाँ से इंडिया जा रहा है तो ही आप एक दो पीस लेके जा सकते हो, अदरवाइज ऐसे कोरियर करके भेजना पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरे भाई या मेरे कोई भी दोस्त जो है महंगा आईफोन 1.5 लाख का ले तो मैं उनके लिए यहाँ से कोरियर कर देता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ से कोरियर आप नहीं कर सकते हैं, इंडिया में कस्टम ड्यूटी उस पर पड़ जाती है बहुत महंगा। अगर 1 लाख का आईफोन है तो 1.5 लाख 2 लाख का पड़ जाएगा, उसके ऊपर फाइन पड़ेगा कस्टम ड्यूटी पड़ेगी, तो जितना इंडिया में सस्ता मिलता है उससे दुगना महंगा आपको पड़ जाता है। डालो मेरे मेरे कान में डालो एक बार, कौन सा वाला, राइट लेफ्ट राइट है ना, डालो भाई बहुत अच्छा है, मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा, बाकी आवाज सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसे के गाने सुनाई दे रहे हैं भाई, बहुत गजब है भाई। एयरपॉड्स एयरपॉड्स प्रो इसका जो साउंड है बहुत मतलब गजब वाला साउंड है यार, बहुत क्लियर, मतलब कान फटने वाली बात नहीं है इसमें। लाइफ में कभी भी खरीदो ना तो एयरपॉड्स ही खरीदो, मैं तो ये बताना चाहूँगा आपको, मेरा एक्सपीरियंस है एयरपॉड्स आर बेस्ट। अच्छा मैं सुन दिया था तो था से ये के सा को ये सुनने जी हां, और ना सो ना बियो ना ये के लिए भी है हां, ये है हां, तो जो वायर है बता रहे हैं ना, वायर भी अंदर है, देख लो जरा चेक कर लो, हां इंशा एडाप्टर ए का वायर 4-4 है मेरे पास। ओके 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 दैट्स गुड, दैट्स टाइप सी है ये, ठीक है हां हां वो ये बैक साइड से लग गई ऐसे तैसे हो गई। अरे कोई बात नहीं, आप इसको चार्ज करने के लिए आईफोन का चार्जर यूज करो ना, सीधा चार्जर आईफोन का चार्जर नहीं है, आईफोन का चार्जर है ये वाला तो है मेरे पास, लेकिन उसका मुंह पहले पुराना नहीं आता था वो चौड़े वाला 5 साल पहले। नहीं आप ये वाला आईफोन कैसे चार्ज करते हो उसको, इसी ओरिजिनल मेरे पास वायर है तो उसी को घुसा दो ना इसमें चार्ज हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो। अच्छा हाँ 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 कमाल कर रहे हो यार, भाई क्या बात है यार, आपको हो क्या गया है। कुछ नहीं मेरे ध्यान से उतर गए थे, सस्ता नशा करते हो, राहुल गांधी हो रहे हो दिन दिन। हाँ उसके मैंने 2-4 वीडियो देख ली थी, वो ट्रक वाली। अच्छा देखी ट्रक वाली, ट्रक वाली पहले इंडिया पकवास करते घूम रहा हूँ। अच्छा ये ऐसे इंडिया में होता है, अच्छा इंडिया में ड्राइवर्स को जरूरत है। हाँ मतलब तुम अभी 10 साल से जो है बांग खा के जी रहे थे, तुम्हें नहीं पता है ट्रक वाले बेचारे कैसे चल रहे हैं। नहीं नहीं उनकी सरकार जो है कितने साल चली, 60 सरकार नहीं सरदर्द थी भाई उनकी, मतलब फिर भी जैसे 60-65 साल सत्ता उनके हाथ में थी तब उनको, तब उनको याद नहीं है, तब तो ऐसे सू से निकलते थे उधर से ट्रक वालों के बगल से, कौन ट्रक वाला कहेगा अब चढ़ रहे ट्रक वालों के ऊपर। सो मेरे प्यारे दोस्तों अब आप पूछ सकते हैं विपुल भाई का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा लगा विपुल भाई? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। 22,000 रुपए खर्चे हैं आपने, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो आपने खर्चे हैं, अभी तो मुझे देने हैं भाई, कोई बात अभी, नहीं अभी तो टेंशन हो रही है। अरे कोई बात नहीं, गाने सुनो। नहीं गाने सुनने के लिए मैंने नहीं लिया है, गाने का तो कोई लोड नहीं है, अपना जो है
लेकिन वही है अपना से हो जाएगा, हो जाता है बहुत सारे काम। हाँ स्पीकर गाने सुनने का टाइम ही कहाँ मिल रहा है तुम्हें, तो सारे ही नहीं, 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 काम। मैं तो आदत ही खत्म हो गई, अब खत्म ही है, सीधा स्पीकर में बजाता हूं। मैंने क्या है कि फोन का स्पीकर फटा, अच्छा बात होती पड़ जाए, ऐसा कान में लगाना पड़ता है। हाँ। यार भाई हाँ, वो मुझे पता लग गया लास्ट टाइम है ना, ऐसे आपको फड़फड़ की आवाज आती है, उसमें दिक्कत होती है, हमेशा साइलेंट मोड में ही रखते हैं। देखो वही, देखो पीछे सोने की ईंट है, सोने की ईंट है, देखो रेट पता करते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है? यहाँ तो शेख बन के जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, और शेख जी वीडियो पता करेंगे रेट क्या है। चलो आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ दोस्तों, आपको बताते हैं क्या रेट चल रहा है सोने का। तो भाई ये देखो पीपल, भाई सीधा ही घुस गए दुकान के अंदर सोना देखने के लिए। ये देखो ये रखी है भाई, सोने की छोटी छोटी ईंटे हैं। वाह ये देखो कितनी अच्छी है। अच्छा अपने वहाँ जैसे स्टैक पर प्राइस लिखा होता है, प्राइस इसमें भी लिखा है, कहाँ 10 ग्राम 10 ग्राम की है। हाँ वो तो परसेंटेज है उसकी प्योरिटी का, अब परसेंटेज है ना प्योरिटी का, बट वो प्राइस पता करना पड़ेगा, तोल के बताएंगे। डेली रोज जो प्राइस चल रहा हो तो उसके प्राइस के हिसाब से मिलेगा आपको। जगह चिंजा तो अच्छा है, उबाई तो 510 RMB पर ग्राम के हिसाब से चल रहा है, 510 RMB पर ग्राम। 4 ग्राम सोना ले लेते हैं इसमें, इतने में 4 ग्राम सोना 4 ग्राम आ जाएगा है ना, बड़े अच्छे से ठीक है। 510 RMB 4 ग्राम से ज्यादा आता है। चलो कोई बात नहीं, सोना छोड़ दो, सोना सोने में थोड़ी गाना सुनोगे फिर। कछुआ जुआ है क्या? नहीं यार, नहीं ये कछुआ नहीं, कुछ और, लेकिन मैंने देखा था वो पुराने वाले में, याद है आपको वहाँ वाले वो कछुआ रहता है। कछुआ हमने देखा था, भगवान बुद्ध का एक देखा था, और तीन चार चीजें इंडिया से सिमिलर जो हम अपने घर में रखते हैं पूजा वाले में। नहीं यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ का भी जो कल्चर है बुद्धिज्म को मानते हैं, वो बहुत सारा कल्चर है, अगरबत्ती और धूपबत्ती वाला। आपने देखा होगा हमारे योगा सेंटर में गणेश भगवान जी है, और सारी अगरबत्तियां जो नेपाल और इंडिया से आती है। मैं पता है मैं जब घर से आ रहा था वो भैया ने जो बोला भी था, और मेरा तो खैर था ही पूजा करने वाला गणेश जी का, वो मंदिर वहाँ ले जा करके यहाँ सेंटर में रखने को। अच्छा तो मैंने आपके वीडियो में देखा था या किसी फोटो में देखा था, वहाँ गणेश जी हैं जो मुझे आप भेज रहे थे सेंटर वाली पहले, तो इसलिए मैंने लेके आया। मैंने कहा यार हैं तो फिर क्या जरूरत है वहाँ पे रखने की। तो देखिए विपुल भाई मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मेरा एक मानना है कि जो लोग ना गर्लफ्रेंड्स के ऊपर खर्चा करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। पता क्यों नहीं करना चाहिए? देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो अपना अपना खर्चा करो, मैं तुझे पसंद हूँ तू मुझे पसंद है, ठीक है, पार्टनर बोलते हैं ना, आप पार्टनर बोलो, ठीक है, पार्टनर पूरा पूरा ठीक है, पार्टनर के पूरे रूल्स और रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल। जब तुम्हारी शादी हो जाती है ना पक्का हो गया, जैसे प्लॉट की रजिस्ट्री होगी ठीक है, जो प्लॉट अपना हो गया नाम पे ठीक है, उसके बाद तुम दबा के खर्चा करो। लड़की को भी सेफ्टी होगी कि भैया मैं सेफ हूँ मेरा पति है ठीक है, और आपको भी सेफ्टी होगी कि भैया बीवी होगी है ना। तो भैया गर्लफ्रेंड के ऊपर ज्यादा खर्चा मत करो ठीक है, आज ही से बंद कर दो, बिल्कुल नंबर ब्लॉक मार दो, नहीं नंबर में ब्लॉक मारो, नंबर नहीं ब्लॉक मारो, लड़कियां गाली देंगी हमें है ना। बाकी देखो तुम प्यार कर, सब्सक्राइबर ना कम हो जाए, नहीं भाई ब्लॉक लोग घूमता है ना, बस ये थोड़ा इग्नोर करो खर्चा नहीं करो। बाकी जब आपकी शादी हो जाएगी ना उसके बाद उसी लड़की को अपनी थोड़ा मेडिटेशन करो, आत्मज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूँ, जब उसी लड़की से अगर आपकी शादी हो जाती है, वो आपके घर में बीवी बन के आती है और आपके घर में रहती है आपके साथ रहती है, फिर उसको ना आप कपड़े भी अच्छे दिलाओ, घर भी अच्छे दिलाओ, गाड़ी भी अच्छी, सब कुछ दिलाओ। वैसे क्या है भाई, हम इस पे इतना ज्ञान नहीं क्यों रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे गेमिंग सेंटर है, बहुत बड़ा गेमिंग सेंटर, और इतना ज्यादा शोर हो रहा है मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। अच्छा यहाँ पे दिखाना है क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे मछलियाँ पकड़ना सिखा रहे बच्चों को, यहाँ पे बना हुआ है ये बच्चों के लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए है मुझे लगता है, ये बैठ के खेलेंगे छोटे बच्चे, ये छोटा स्टूल छोटा और ये सब लगा करके उनके साथ खेलने के लिए है। एक्चुअली ये छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे यहाँ पे बैठ के जो है मछलियों को पकड़ते हैं, यहाँ पे अपने अपने बकेट के अंदर डालते हैं और यहाँ पे आनंद लेते हैं। लेकिन आज छोटे बच्चे तो है नहीं यहाँ पे, बड़े बड़े बच्चे बैठ गए हुए हैं यहाँ पे। गेमिंग सेंटर के अंदर चलते हैं भाई, ये यहाँ का गेमिंग सेंटर पूरा दबा के मजे ले रहे लोग यहाँ पे। ओ भगवान, एक सिक्का डालो जितना बाहर निकला वो सब आपका। ये देखो भाई इस भाई के मजे लगे, इस भाई को बहुत सारे कॉइन निकले हैं। ये देखो भाई चाइना के गेमिंग सेंटर, चाइना का युवा यहाँ पे गेमों में घुसा पड़ा है। ओ दीदी ब्रेक पर पैर रखो, दीदी ओ दीदी ने कमाल कर दिया, दीदी ने कमाल कर दिया, गाड़ी टोंक दी।
और यहाँ पे ये गेम हो रहा है जहाँ पे जी स्पोर्ट के ऊपर डांस करते हैं, कंपटीशन मशीन कंप्यूटर के साथ कंपटीशन होता हुआ है। अच्छा देहरादून में भी ऐसा है क्या गेमिंग सेंटर? नहीं यार, नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। क्या पड़े? अच्छा बिपुल भाई ये देखो, ये लॉटरी वाला सिस्टम है, ठीक है, QR कोड को स्कैन करोगे, यहाँ पे अपने फोन से पैसे कटेंगे और यहाँ पे पर्चा बाहर निकलता है, उसको QR उस पर्चे को आप स्क्रैच करेंगे, अगर आपका नंबर निकलता है 66 तो आपको यहाँ पे मतलब 25-30 लाख रुपए मिल सकते हैं भाई। कितनी की टिकट है ये? ये टिकट भाई 5, 10, 15, 20 RMB की हो सकती है। ये देखो भाई डांस शुरू कर दिया। हाँ नहीं ये गेम अच्छा है, ये देखने वाला गेम है। अच्छा नहीं नहीं देखने वाला नहीं, ये सीख जाएंगे ना, ये ऐसे सीखते होंगे। नहीं ये सीखते तो है, ये पहले ही सीखे हुए हैं, हमारे देखने वाला है। हाँ ये हमारे देखने वाला मतलब गेम है। अच्छा है। हाँ, वो स्टेप को जो उसके अंदर स्टेप आ रहे हैं ना उसको फॉलो करते हैं, तो कितना प्यारा गेम है यार ये। आई होप हमारे सब्सक्राइबर्स को भी ये प्यारा सा गेम पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना भाई। अब लेके आया हूँ मैं विपुल भाई को यहाँ पे चाइनीज ऑथेंटिक ट्रेडिशनल चाइनीज फूड खिलाने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने चाइनीज फूड के नाम पे कभी देखी नहीं होंगी, आपने सिर्फ नूडल और मोमो सुने होंगे और उसके अलावा मुझे लगता है कि चाइनीज फूड के नाम पे आपने और भी कुछ खाया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपको चाइनीज ऑथेंटिक मतलब जो है फूड ये देखो देखने को मिलेगा यहाँ पर, और आप उसको इंजॉय भी करेंगे, आई होप आप उसको इंजॉय करेंगे। विपुल भाई यहाँ पे देखिए चाइनीज फूड, ऐसा आपने इंडिया में देखा कभी ऐसा चाइनीज फूड? ये तो चिकन सा लग रहा है। हाँ ये है चिकन, लेकिन इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। हाँ और ऐसा नहीं कि सारा नॉन वेज होता है, ये वेजिटेरियन वाला भी है। देखो जिसको वेज खाना है वेज, नॉन वेज खाना है उसके लिए नॉन वेज, ठीक है। और उसके साथ आगे चलेंगे आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, देखिए बिल्कुल ये देखिए इस तरफ जो है बकरे का मीट है, मटन है, इस तरफ ये बीफ है, देखो ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सुअर का है पोर्क, ये सारा पोर्क का मटेरियल है भाई साहब बना रहे हैं यहाँ पे। और ये चिकन है, चिकन का अचार है, चिकन लेग्स होती है ना उसका अचार है, चिकन इंडिया में लोग बहुत सारे खाते ही हैं तो उसका अचार है भाई ये। और ये भाई साहब बना रहे हैं मस्त हो गए, देखो क्या डांस भी कर रहे हैं साथ में। और जो अगर आपको वेजिटेरियन खाना तो यहाँ पे देखो आलू के चिप्स, ये देखो भाई ये आलू है, ये मक्का है। मसूरी में जो आजकल कचरा हो रहा है, मसूरी में बन रहा है इतना बनाते हो इतना बेकार। देखो ये मक्का है, देखो भाई मक्का भी बन रहा है। और ये यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, देखो ये एग है भाई, अंडे को तोड़ के सांचे में डाल के पका के खिला रहे हैं, मतलब अलग तरीके से। ये देखो भाई यहाँ पे, और ये देखो भाई यहाँ पे ये आई थिंक ये क्या चीज़ है, केक बनाया हुआ है। चाइनीज ट्रेडिशनल फूड के नाम पे आपको यहाँ पे सी फूड बहुत सारा मिल जाता है, यहाँ पे ऑक्टोपस है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे पकाई हुई है इन्होंने, इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। शीशा था ना, दिखाई नहीं, ट्रांसपेरेंट। हाँ तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी गली है भाई, छोटी सी गली के अंदर देखो दोनों साइड पे यहाँ पे इस तरीके का बना रहे हैं ये लोग, ये मटन के अंदर पका के खिला रहे हैं भैया चावल को, ये देखो मटन है, मटन तरबूज महंगा है, तरबूज महंगा है। हेलो शिवराज, कौन सा गाना कर रहा है? वेरी गुड है, वेरी गुड, यस। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चावल की बिरयानी, बिल्कुल प्योर वेज बिरयानी है ये। अच्छा हाँ आप खा सकते हो वेजिटेरियन बिरयानी, देखो चावल है इसके अंदर, थोड़ा सा पका के मसाला डाल के बना के खिलाए, वेज और नॉन वेज दोनों तरीके की बिरयानी आपको यहाँ पे मिल जाती है। खाना है बताओ क्या खाना है? अभी खिलाता हूँ मैं आगे, मैं यहाँ का एक फेवरेट फूड है वो खिलाता हूँ। और ये सारा चिकन का मटेरियल, जो लोग चिकन खाते हैं उनके लिए तो भैया बल्ले बल्ले है यहाँ पे। देखो ये जिसने वेजिटेरियन खाना भी भाई यहाँ पे वेजिटेरियन भी मिलता है, देखो ये प्योर वेज है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ पकौड़े की तरह ही बनाते हैं। और ये देखिए वेजिटेरियन बिल्कुल एकदम से, और ये किस तरीके से चिकन, देखो चिकन इन्होंने पहले जब शॉर्मा बोलते हैं, शॉर्मा चिकन, देखो भाई शॉर्मा करके होता है, तो कट कट करके ना उसके बाद परोस देते हैं। हाँ वो कट करके खिलाते हैं छोटे छोटे पीस में करके, है ना। तो इन लोगों का काम भी तबाह के चल रहा है भाई, देखो मोमोज एक मोमोज की तरह बनाया हुआ है, ये भी वेजिटेरियन है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मिलती है बहुत तगड़ी वाली भाई, आपको पसंद आएगी, ठीक है। तो ये देखो ये जो देख रहे हो आप, ये पता क्या है, ये कोई मटन नहीं है, कोई चिकन नहीं है, कुछ नहीं है, ये अपना एक मान सकते हो कि आटे से मैदे से बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला है जो पूरा। और ये इस साइड पे चिकन है भाई, वेज, ये वेज है और ये नॉन वेज है। और यहाँ पे सी फूड के नाम पे देखो भाई,
ये सी फूड है भाई, इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना अगर आपको पता है। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे शाम के टाइम पे रौनक लग जाती है पूरी रौनक। ये देखो भाई यहाँ पे छांगचुन सिटी का छुन छिड़कुआन छाए है। यहाँ पे अंदर चल के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको क्या मस्त खाना बनाते हैं। पर जो मेरा फेवरेट है वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे। सोचा था विपुल भाई को खिलाऊंगा लेकिन कहाँ खिलाऊंगा यार, वो मिल ही नहीं रहा है। तो कहाँ वो चला गया पता नहीं भाई। अरे वो नहीं मिल रहा है विपुल भाई यार, यहाँ पे एक नाइला होकर के बेचते हैं ना दूध का बना हुआ, क्या मस्त बनाते हैं। आ जाओ आप मेरे पीछे पीछे। ये देखो भाई रियल चाइनीज फूड। ये देखो ये चावल का हलवा है, चावल का, चावल होते ना उसका हलवा बनाते हैं। आ जाओ देखो ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस सी फूड, ऑक्टोपस और मसाले के साथ कड़क। ये देखो भाई दबा के सिगरेट पी रहा है। हाँ जिसको अपना वेजिटेरियन खाना है, ये देखो भाई बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, 100% प्योर शुद्ध शाकाहारी खाना। 24 कैरेट बोल रहे विपुल भाई। ये देखो जो लोग कहते हैं चाइना में लड़कियों से शादी करनी है भाई, ये देख लो दबा के खा रही हो। हाँ चिकन बीफ। हेलो हेलो ब्रदर। चलो विपुल भाई यहाँ घुसा के दिखाता हूँ आपको क्या है यहाँ। आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हेलो। यार जो मैं आपको खिलाना चाह रहा हूँ वो चीज मिल नहीं रही है, बताओ यार क्या करूँ। ये देखो प्योर प्योर वेजिटेरियन काजू बादाम बर्फी, बताओ मिठाई क्या मस्त यहाँ का होता है यार, बहुत प्योर। हाँ चेक कर लो, वो बोल रही है पहले टेस्ट कर लो अच्छा लगा तो ले लेना। अरे वो खिला रही है जो इनके अंदर देखो आइसक्रीम है। हाँ तो आइसक्रीम चेक करवा रही है वो, ये यहाँ का बहुत अच्छा है। हेलो। वो बोरी चेक कर लो अच्छा लगे तो ले लेना। कैसा है टेस्ट, कैसा है जल्दी बताओ। पहले तो थोड़ा अजीब लगा, अभी ठीक लग रहा है। धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, जब पैसे देने पड़ेंगे ना फिर अच्छा ही लगेगा। वैसे मैं रिएक्ट भी तो वैसे ही कर रहा हूँ जिससे मुझे पैसे ना देने पड़े। अच्छा चलो नहीं पसंद आएगा तो ले लेंगे कोई बात नहीं। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या बड़ा ब्रांड बना दिया इन्होंने यहाँ पे देखो यार। चलिए मैं नायला होता है वाह यार, मैं पूछ रहा हूँ इनको नायला हो कहाँ मिलेगा वो पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं। अरे वाह ये देखो मछलियाँ मछलियाँ बेच रहे भाई दबा के यहाँ पे। मैं नायला होता है यार, इन्होंने नायला एक होता है ना दूध से बना होता है, क्या मस्त चीज मिल नहीं रही है। ये देखो पीपल भाई यहाँ के एक अच्छी बात, यहाँ पे लोग जो ना आपको 99.9% जो बाइक है स्कूटियां हैं सारी इलेक्ट्रिक मिलती है भाई। देखो ये देखो आप इस लाइन में यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ तक कहीं तक भी देख लो यहाँ पे कोई भी, ये सारी इलेक्ट्रिक बाइक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो अपने यहाँ बहुत ज्यादा इंडिया में ना। हाँ बहुत हो गया बहुत हो गया, मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट पे, इंडिया में बहुत प्रोग्रेस कर लिया हमारे देश ने यार, बहुत आगे बढ़ रहा है। कई जगह तो इतना ज्यादा हो गया ई रिक्शा बंद, गवर्नमेंट को बैन करना पड़ रहा है। ई रिक्शा अच्छा इलेक्ट्रिक को वहाँ ई रिक्शा बोलते हैं। अच्छा अच्छा क्यों कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं साले एक साथ चल के ट्रैफिक लगा देंगे, पूरा ट्रैफिक हो जाएगा। तो कई कई सिटी में कई कई जगह पे जैसे बेंगलोर में है, मुंबई में भी कई जगह। अच्छा और मसूरी में है ऊपर उधर क्या कहते हैं माल रोड पे चढ़ो तो ई रिक्शा वहाँ नहीं ले जा सकते तुम, तो ट्रैफिक कर देते हैं वहाँ ले जाकर। वो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा सस्ता है ना, चीप एंड बेस्ट पड़ता है। एक बार चार्ज किया 100 किलोमीटर चल रहा है, पैसा दबा के आ रहा है उसमें। दबा के तो क्या, लेकिन ये है कि पहले जैसा नहीं रहा कि खुद चलाना पड़ रहा। खींचते थे पसीना बहाते थे शाम को हालत गंभीर, फिर बिना पौवे के नींद नहीं आती थी। अब वो नहीं, वो एक चेंज है ना फिर उसका, पौवे का पैसा बचा तो कहीं और लग गया। बिल्कुल बिल्कुल, पहले चाइना में ऐसा अलाउड नहीं था, ये जो है ना बाहर बाहर लगाना अलाउड नहीं था, कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने अब अलाउ कर दिया, भैया दबा के कमाओ पैसा, तो ये काफी अच्छा कर दिया। तो यार तुम्हें क्या खिलाऊं अभी, एक बार लास्ट टाइम चलते हैं, अब आपको फाइनली कुछ खिला के ही लाऊंगा ठीक है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा भी हल्का खाएंगे। अच्छा से बाकी घर पे बना लेंगे, उधर वहाँ से मटन नहीं लिया था, फिर रूम पे तुम चल चलना। इसकी थाली में देखते हैं ये भाई क्या खा रहा है, हम भी यहाँ से कुछ ले लेते हैं, रेड बॉक्स करके है ठीक है, पूछते हैं क्या खिला रहे हो तुम लोग। ये सब घटिया है जो उधर वाली। हेलो जी हाँ, उनसे मैं समझ रहा पिज्जा पिज्जा फ्रूट वाला मत लेना, कल जो कैंपिंग में हमने खाया था बहुत ही घटिया था। खाना खाना है नहीं, दुकान नहीं सही है भाई,
ये देखो यहाँ पे कितने सही लोग आ रहे हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर, और आप कह रहे दुकानें सही नहीं है। नहीं नहीं दुकानें भाई, दुकानें सही हैं, लोग भी देखो सही हैं। ये क्या दे रहे हैं? भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है भाई, देखो 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 कैसी दबा के भीड़ हो रही है। चिकन टिक्का मटन टिक्का यहाँ का मिलेगा? अब ये साले गए कहाँ पे, यहाँ पे छोड़ के चले गए? कहाँ से छोड़ के चले गए भाई? दुकानें चेंज हो गई कसम से, यहाँ से ऐसा नहीं था यार। हाँ यही था ना, इसी ने मुझे गिरा दिया था, ट्रांसपेरेंट ऐसा ला, और ये मेरे इधर से टूट की खड़ी थी। देखा मैंने कहा कहीं पकड़ के बोले भैया पैसे भर यहाँ पे। चाइनीज ट्रेडिशनल फूड चिकन, अंदर जो है उसके अंदर राइस है। आप ट्राई करोगे नहीं करोगे? नहीं करने वाला, यहाँ तो बढ़िया जगह, कोई ठंडी जगह रहेगी वहीं करेंगे। नहीं ये बढ़िया सी फूड के लिए बढ़िया जगह है ये, आप ट्राई करना चाहते हो तो बताओ। नहीं हो जी जम्मा जा सुबह जैसा है लाएगा। 10 RMB में 3 दे रहा हो तो क्या दिक्कत है, बन के आ जाएंगे, चिकन उधर से आ जाएगा, खा के अपना गपा गप निकलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ, जो जानने वाली जगह है वो। अब तुम कह रहे हो तो भाई कैसे कर लेते ट्राई? अरे जानने वाली जगह है भाई, सारे अपने लोंडे हैं, अपने ही अपने लोंडे। अरे अपने लोंडे है भाई, फौजी ढाबा। हाँ फौजी ढाबा वही है, उधर शुद्ध वैष्णो ढाबा था, उधर फौजी ढाबा। हाँ अपने लोंडे है भाई, वफू खाना शीशे शीशे। ये देखो दीदी को खाना खाते हुए गर्मी लग रही है, उसने पंखा भी साथ में रखा हुआ और फोन लगा के रखा आगे। ये भाई यहाँ पे बना रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए भाई ने भी यहाँ पंखा लगा के रखा है भाई। और आपका चिकन आ गया, खाओ दबा के, टेस्ट करके बताओ कैसा है, सबसे फेमस है इस मार्केट का। देखो यहाँ पे दीदी कितने आराम से मजे से खा रही है। बताओ डॉक्टर साहब टेस्ट कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया मजा आ रहा है ना? सही है, मसाले वसाले कुछ नहीं है, बस उसमें कुछ इतने डाल रखी है क्रीम की। हाँ ये लोग जो है ना मसाले वसाले ज्यादा नहीं डालते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पकाते हैं उसको। इसका हाँ चावल अंदर है, और चिकन का जो ऑयल होता है ना वही ऑयल होता है इसमें, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं करते हैं ये लोग। ये काफी अच्छी बात है यार, ऑयल इतना निकल जाता होगा इसमें से? और ये निकलता भाई देसी चिकन में से। चलो मैं भी खा लेता हूँ, मेरा भी इस यहाँ पे पड़ा है। आ गया भाई आ गया हमारा सी फूड, आज हम इसे भी ट्राई करेंगे। देखा आपने कैसे गिर गया था ये हिमाल, दोबारा कैच किया मैंने ये मेरे प्लेट से गिर गया था इधर से ऐसे, मैं दोबारा से प्लेट लगा के कैच कर लिया सारा माल। एक्चुअली ये जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं? सीप होता है, सीप बोलते हैं सीप, और ये मोती बनाता है मोती। हाँ लेकिन अब नहीं बनाएगा इंडिया में, जैसे इंडिया में समुद्री इलाका बहुत है, 3 साइड है ना, बहुत है भाई, तो बहुत खाया जाता है अपना। आप बंगाल साइड चले जाओ, हैं केरला साइड चले जाओ, गुजरात साइड चले जाओ, दूसरी जगहों पे बहुत बहुत ज्यादा खाया जाता है भाई। हम रहे हिमाचल साइड पहाड़ों में, समुद्र से दूर दूर का रिश्ता नहीं, हमें पता ही नहीं था ये सब चीज़ों का। बस ऐसी है इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो भाई। यहाँ पे शाम के टाइम पे ना रौनक बढ़ जाती है, बस अब देखते जाओ धीरे धीरे। ये देखो शाम के टाइम पे भीड़ बढ़ती जा रही है। हेलो फ्रेंड्स ऐसे सुनेंगे भाई, हेलो ब्रदर। नहीं इंग्लिश गाने सुनते हैं इनको समझ में थोड़ा ना आते, बस सुनते हैं, भीड़ चलती रहती है। यहाँ पे पास में यूनिवर्सिटीज बहुत है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स जो है इसी एरिया में ज्यादा आते हैं खाने पीने के लिए। चलो 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 भाई, चलो चलो हटो हटो। और यहाँ पर मिलते हैं काजू बादाम अखरोट किशमिश ये सब चीजें, अरे सस्ते नहीं मिलते विपुल भाई। हाँ दबा के रेट इन्होंने हाई रखा है। नहीं आप बोल रहे थे ना कहीं और बढ़िया मिलता है? नहीं नहीं यहाँ देखो आप एक बार चल के देख लेते हैं यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। है? इमली, अरे वाह इमली भाई आपकी नजरें कमाल है दोस्त, विपुल भाई को इमली दिख गई। और पता है ये क्या है? ये पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन काफी अच्छा रहता है सीट खाने में ये, ठीक है। गच्चक ये सब मिठाइयाँ, और ये देखो दोस्तों यहाँ पे काजू बादाम किशमिश सब आपको मिल जाता है तरह तरह का। जो प्राइस वाइज है वो सब ये बता देंगे, जो आपको लेना होगा उसके हिसाब से देख लो। विपुल भाई आपको कौन सा चाहिए? नहीं तो है तो अच्छा है छी 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 छी
इसने जो रेट बताया वो बताया 71 पॉइंट समथिंग जो है आरएमबी पर हाफ केजी के हिसाब से, क्योंकि चाइना में जो केजी के हिसाब से नहीं होता, यहाँ हाफ केजी के हिसाब से 71 हो गया आपका 900 रुपए के आसपास, जो आधा किलो बादाम मतलब ये मान लो 1800 रुपए के किलो बादाम है भाई यहाँ पे, बहुत महंगा भाई। बिल्कुल अपने यहाँ केरला में वहाँ पे बहुत ड्राई फ्रूट होता है। ओके अल्फान करके एक अरफान करके है वो चेन है, उनके यहाँ जो खजूर थे वो 5-6 वैरायटी के थे। अरे छोड़ो यार 1800 रुपए किलो बादाम बेच रहे हैं, इतना महंगा कभी चली जाएगी हमारी तक। विपुल भाई बोले 1800 रुपए किलो बादाम लेके ताकत ही चली जाएगी। और क्या है, इतना थोड़ी 1800 रुपए कुछ और खा लेंगे। So, मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और विपुल भाई अब यहीं पर रहेंगे चाइना में मेरे साथ, इनका जो वर्क वीजा का काम हो रहा है इनको भी शुभकामनाएं दीजिए कि इनका वर्क वीजा जो है जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल है ना, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।